अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी नॉकिंग यूट्यूब चैनल और पॉकेट ऑप्शन पे आज हम ट्रेड करेंगे। आप लोगों को मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी करनी है तो आप लोग कैसे करोगे, समझ गए हो। सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जितने भी लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ रूल्स हैं आप लोगों को मैं बल्कि बाद में बताता हूँ सारी चीज़ें। पहले मैं आप लोगों को ट्रेड करके दिखाता हूँ कि मुझे ट्रेड करनी आती भी है कि नहीं। बंदा फिर ही मतलब इंटरेस्ट लेके उसकी बातें सुनेगा ना। पहले मैं इतना लंबा लेक्चर दे दूँ, बाद में पता चले कि ट्रेड लॉस कर गया वीडियो में, तो आप लोगों ने कहना कि यार ये चंगा बंदा है। अच्छा बहरहाल, ट्रेड करने के लिए देखो सबसे पहले मार्केट में आके चार्ट देखना पड़ता है। अब हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है ट्रेड करने के हवाले से। कोई बंदा स्टिक लगाता है, ऊपर लगा लेगा भाई यहाँ से रेजिस्टेंस हो गई, यहाँ पे जो है ना वो सपोर्ट मिल गई, दो डंडे लगा लेगा यहाँ पे, यहाँ वो इसके ऊपर इंडिकेटर लगा लेगा। अब हर किसी का अपना अपना दिमाग है। और एक होते हैं अल्ट्रा प्रो, मतलब कि प्रोफेशनल लोग मेरे जैसे, तो मतलब कि क्या करते हैं वो वैसे देख लेते हैं मार्केट देख लो वैसे कि किस तरह से चल रही है। अब देखो ना मार्केट जिस तरह से सपोर्ट बना रही है, रेजिस्टेंस बना रही है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से चल रही है, मतलब ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही। अभी तक देखो जितनी भी मार्केट चलती आ रही है, अगर लंबा ट्रेंड के साथ भी आ रही है लेकिन रुक ज़रूर रही है, मतलब रुकने से मुराद के रुक के वो ऊपर की तरफ लाजमी जाती फिर नीचे की तरफ आती। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अब ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पर मार्केट रुक रही है, समझ गए। इस लेवल के करीब करीब मार्केट आगे रुकेगी तो मैं भी डंडा फिट करके बैठ जाऊँ यहाँ पे। तो बहरहाल ऐसा नहीं होता कि यहीं से ही मार्केट की जो है ना वो मूवमेंट अब दोबारा से कॉल की तरफ जानी शुरू हो। ऐसा भी होता है अक्सर कि मार्केट ऊपर भी रुक जाती है यहाँ पे करके भी, उससे और मज़ीद नीचे जाके भी रुकती है बहुत दफ़ा। तो ये डिपेंड करता कि आप लोग कहाँ पर किस कैंडल को पकड़ के अच्छी ट्रेड मार जाओ, समझ गए। तो करीब चलते हैं थोड़ा और बड़ी लंबी लंबी कैंडल्स आई हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे अब मार्केट ने रुकना है अपने आप, मतलब रुक के इसने ऊपर की तरफ जाना है लेकिन इतनी आसानी से ऊपर की तरफ नहीं जाना है। पहले यहाँ पे थोड़ा फड्डा चलेगा, कुछ कैंडल्स रुकेंगी, स्टिक बनाएंगी और इस फड्डे में हमने पहचानना कि हमने ट्रेड करनी है। पहले करनी तो हमने पुट की तरफ है क्योंकि मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है, थोड़ा और नीचे जाएगी, समझ गए। इस सिचुएशन में हमने जब पुट करना है तो किसी अच्छी कैंडल पे करना है, समझ गए। दिमाग बड़ा हाजिर रखना पड़ता है, फ्रेश माइंड काम करना पड़ता है इसमें। ये मार्केट देखो चल रही है और अब एक बड़े गौर से आप लोगों ने चीज़ देख रही है, अपना दिमाग बिल्कुल इस कैंडल के साथ मैच कर लो। जैसे जैसे ही नीचे जाएगी वैसे वैसे देखा करो कितनी जंप मार रही स्पीड से, आराम आराम से ऊपर जा रही है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे रुक गई, फिर इसने एकदम से जंप मारा, रुक गई, उसके बाद नीचे की तरफ आई। मतलब कि मार्केट जब जाती है ऊपर की तरफ आराम आराम से जा रही है लेकिन जंप मार के एक दफ़ा से नीचे आती है, मतलब कि कोई चीज़ इसको नीचे फेंक रही, मतलब प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ जाने का भी इसको। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, $100 मैंने पुट पे लगा दिए हैं और $100 पुट पे लगा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है हमें कि हम ये विन करेंगे क्योंकि मार्केट देखा था आपने कैंडल ऊपर जा रही थी लेकिन एकदम से पुश करती कोई चीज़ उसको, मतलब पुश मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ उसको लेके गया था, मतलब कि चांस हैं बहुत ज़्यादा कि हम विन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मार्केट ये कैंडल हमें नीचे की तरफ विन करवाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किए हैं $100, समझ गए हो। ये आप लोगों को करीब थोड़ा करके दिखा देता हूँ, ये हमें रिजल्ट आ चुका है और ये हम विन कर चुके हैं। $100 की मैंने ट्रेड लगाई है, $92 जो है ना हम प्रॉफिट के साथ विन कर चुके हैं। ये ट्रेड आप लोगों को मैंने ट्रेड करके दिखा दी है, फिर मैंने कहा था मेरी बातें सुनना कि अगर आप लोगों ने ट्रेडर बनना है या ट्रेड करनी है तो कैसे करनी, क्यों करनी। अब देखो मैंने $100 की ट्रेड लगाई यहाँ पे, समझ गए। $100 की ट्रेड मैंने इसलिए लगाई कि अगर मैं विन करूं तो दिन में एक ट्रेड खेलूं, मतलब कि दिन में एक ट्रेड खेलो अच्छी खेलो। जैसे ये मैंने अच्छा पॉइंट देखा, एक ट्रेड की। अब दूसरा ये भी आता है कि अगर आपका मतलब कि बैलेंस है $100, $50 या $200 या $500,
आप लोग $10-10 की ट्रेड करते हो, $5-5 की ट्रेड करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड करनी पड़ेगी पूरे दिन में, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक ट्रेड ही करनी पड़ेगी। उस दौरान जो है ना आपका माइंड जो है ना वो प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहरी बात है आप लोग सारी तो जीतोगे नहीं, उसमें से लॉस करोगे दो चार। जहाँ पर आपने लॉस की ना, आपके दिमाग में आना है गुस्सा, इंसान है गुस्सा करता है, उसका माइंड जो है ना वो प्रेशर में आ जाता है। आप लोगों ने प्रेशर में आके क्या करना है कि मतलब कि बड़ी बड़ी ट्रेड मारनी है कि ये जो है ना रिकवर करना है। रिकवर करने के चक्कर में जो है ना इंसान गुस्से में आके उसको फिर ये पता नहीं चल रहा होता कि उसने मार्केट को भी रीड करना है, वो मार्केट को रीड नहीं करता ना, ये देखता है कैंडल किस तरह से चल रहे हैं, वो फिर बड़ी बड़ी ट्रेड मारने के ऊपर लग जाता है, मार्टिनगेल स्ट्रेटजी यूज़ करने लग जाता है। 10 हारे होते हो आप लोग, अगली ट्रेड $40 की करो, 40 हारे हो अगली जो ना वो $200 की करो। उस चक्कर में क्या होता है कि इंसान दो तीन ही सिर्फ गिनती की चार ट्रेड खेलता है, उसके अलावा सारा बैलेंस उड़ जाता है उसका। तो इसलिए आप लोगों ने ट्रेड करनी है $5-5 की नहीं करनी, $10-10 की नहीं करनी। अगर आपका बैलेंस $50 है तो आधे बैलेंस की ट्रेड करो पहले, तो ये काम उसका जिसके पास एक्स्ट्रा इनकम हो। जब अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होंगे तो आपका जो है ना वो बड़ी ट्रेड करने से आप लोग डरोगे नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं है, गिनती के वैसे ही $50 हैं, किसी से उधार मांग के या आप लोगों ने कोई चीज़ बेच के $50 डिपॉजिट कर लिए, फिर तो आप लोग कभी भी ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर इतना होगा। बड़ी ट्रेड तो क्या छोटी भी करते वक्त डरोगे कि यार $10 ज़ाया ही ना हो जाएं, भी अगले पता नहीं मेरे पास फिर पैसे आए ना आए। तो ये चीज़ इन चीज़ों से बाहर निकल के काम करना है। अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है पहले तो इसको सीखना है, समझना है, उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम के साथ आप लोगों ने अपने, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उससे काम करना है। $5-5 की $10-10 की ट्रेड करने से बेहतर है कि आप लोग जो है ना बड़ी ट्रेड कर लो, $50 की, $100 की, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो $100 की कर लो। अब जैसे देखो मैंने एक ट्रेड की है $100 की, अब मैं सुकून से बैठ गया हूँ। अब यही अगर मैं $10-10 की ट्रेड करने लग जाऊँ तो भी फिर आधा घंटा तो मुझे जो है ना वो, बल्कि घंटा दो घंटे मुझे सिर्फ $10-10 की 10 ट्रेडें प्लेस करने में लगने हैं। क्यों? क्योंकि फिर अगर एक मैंने ट्रेड प्लेस की या फिर अगली 5 मिनट बाद टाइम आए, 10 मिनट बाद टाइम आए, फिर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, फिर करूँगा। इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी एक ट्रेड लॉस हो गई, प्रेशर इतना आ जाएगा, फिर अंडर प्रेशर हो के मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए एक ट्रेड करो, बड़ी कर लो $50 $100 की। दूसरे नंबर पर रूल्स ये हैं कि आप लोगों ने जब ट्रेड करनी है तो सुबह तकरीबन 11-12 बजे के करीब करो, क्योंकि उस टाइम फ्रेश माइंड आप लोग होते हो, ज़रा आपके माइंड में जो पूरे दिन की जो है ना वो थकावट और ये सारी चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं जी हम किस टाइम ट्रेड करें। वैसे तो 24 घंटे जब मर्जी, मतलब जब भी कर लो आप लोग, सुबह दोपहर शाम रात, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आप लोग सुबह 10-11 बजे के करीब करो, क्योंकि तब जो है ना ज़रा मार्केट अच्छी चल रही होती है, और उसके अलावा आपका माइंड ज़्यादा जो है ना वो फ्रेश होता है। आप लोग फ्रेश माइंड काम करोगे तो अच्छा काम करोगे। उसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने सीख के काम करना है, किसी एक बंदे को फॉलो करके काम करना है, क्योंकि एक चैनल है, दूसरा चैनल है, तीसरा चैनल है, चौथा चैनल है, पांचवा चैनल है, यूट्यूब पे पता नहीं कितने चैनल आ गए हैं। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से आपको समझाना होता है। कोई कहता जी ये स्टिक लगा लो, कोई कह रहा जी स्टिक में जाके नंबर इतने ऊपर कर लो, इतने नीचे कर लो। अब इतने लोगों की बातें आपको फिर अपनी समझ नहीं आती आपने करना क्या। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है ना वो कन्फ्यूज़ और डबल माइंडेड कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आप लोग सही काम नहीं कर पाते। सही काम करने के लिए तरीका यही है, अगर तो एक्स्ट्रा पैसे हैं तो फिर किसी अच्छे बंदे से सीखो, सीख के समझ के काम करो, और रूल्स जो वो रूल्स आपको बताता है उन रूल्स के ऊपर जो है ना वो रह के काम करो। अगर आपको आपके रूल्स हैं कि आपने दिन में 2 ट्रेड करनी है, तीन ट्रेड करनी है, तो बस 2 से 3 ही करो। अगर उसके रूल्स हैं 2 से 3 ट्रेड कर गए हो, लॉस कर गए हो, आपको पता लग रहा है भी आपके माइंड के साथ मार्केट मैच नहीं कर रही, तो फिर उस दिन ट्रेड ही ना करो, क्योंकि आपका बैलेंस सारे का सारा ज़ाया होने से बेहतर है कि आपने 2-3 ट्रेड लॉस कर ली, अगले दिन आप लोग 2-3 वो पूरी जो है ना वो रिकवर कर लोगे, उस दिन फिर गलती ना करो ट्रेड करने की। तो ये सारी जो है ना वो चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, फिर एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। कि ऐसे आए माउस पकड़ा, मार्केट ट्रेड की भी किस तरह से मार्केट चल रही, कैंडल किस तरह से चल रही है, मैं जैसे बड़ी आसानी से देखो मैंने वो पहचाना मार्केट को। आप लोग दोबारा से वीडियो को देखोगे तो किस तरह से पहचानना मार्केट को, कैंडल को, फिर आप लोग उसके प्रेशर को देख के भी ट्रेड कर सकते हो, मार्केट किस तरह प्रेशर फोर्स कर रही है, फिर आप लोग अच्छी ट्रेड कर सकते हो। बहरहाल बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, गुड लक।